हेलो गाइज, पिछले वीडियो के अंदर हमने कर लिया था दो दो नंबर के जो हमारे क्वेश्चन थे ना, वे हमारे फिनिश हो गए थे। और इस वीडियो के अंदर हमने जो चार चार मार्क्स के क्वेश्चन है ना, वे करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है दो लाइन की क्वेश्चन दे रखे हैं। पहली लाइन की क्वेश्चन यह है x माइनस वन बाई माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई में माइनस ट्वेंटी बाई सेवन इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाई टू। और जो दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन हमारे पास x माइनस वन बाई में थ्री के इज इक्वल टू वाई माइनस फाइव बाई में वन इज इक्वल टू जेड माइनस सिक्स बाई में माइनस फाइव। ये हमारी इक्वेशन है सेकंड लाइन की। गाइज, आपको पता होगा कि जो लाइन इक्वेशन होती है ना, वहाँ पर एक्स वाई जेड में से ऊपर तो सब्ट्रैक्ट वाई मिलेगा, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट। यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और जो इनके बाई में आया है ना, बाई में वे आ रहे हैं डायरेक्शन रेशोज। क्या होते हैं डायरेक्शन रेशोज? अब जो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशोज है ना, वे है माइनस तीन माइनस तीन माइनस बीस बटे सात दो। और जो दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो है वे है तीन के वन माइनस पाँच। अब कंडीशन ये है कि जो दोनों के दोनों लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर है। क्या है परपेंडिकुलर? अगर लाइन परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा, डायरेक्शन रेशोज की जो डॉट होगी ना वो जीरो होगी। अब डायरेक्शन रेशोज की डॉट कर देते हैं, करना क्या है, जो मीन्स जो पहला तो डायरेक्शन रेशोज रेशो ना दोनों का, दोनों की मल्टीप्लिकेशन वाई वाई वाला की मल्टीप्लिकेशन और जेड जेड वाला की मल्टीप्लिकेशन। और परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है कि डायरेक्शन रेशो की जो डॉट है ना वो जीरो है। डॉट करो तीन के और माइनस तीन के गुणा माइनस नौ के माइनस बीस बटे सात माइनस दस इक्वल टू जीरो। तो माइनस नौ के यहाँ पर माइनस सत्तर माइनस बाईस माइनस सत्तर और बीस माइनस नब्बे इस साइड आकर प्लस नब्बे बाई सेवन। यहाँ पर माइनस आ गई नौ थर्ड है माइनस टेन के वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस टेन माइनस सेवन। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है आपका क्लियर हो गया होगा।